क्योंकि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर मेरी हत्या किए जाने की और मेरी गर्दन काटने की साजिश रची जा रही है, उस पर इनाम रखे जा रहे हैं कि मेरा गुनाह इतना है कि मैंने 26 आयतों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था जो इंसानियत के प्रति नफरत फैलाती है और मोहम्मद के चरित्र पर वो हिडन फैक्ट्स जो के छुपे हुए हैं उस पर आधारित एक किताब लिखी है जिसका नाम मोहम्मद है। अब मुसलमान मुझे मार देना चाहते हैं और ये ऐलान किया है कि मुझको किसी कब्रिस्तान में कोई जगह नहीं देंगे, तो मेरे मरने के बाद शांति बनी रहे इसलिए मैंने एक वसीयतनामा लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी भेज दिया है कि मेरा जो शरीर है वो मेरे एक हिंदू दोस्त है उनको लखनऊ में दे दिया जाए और चिता बनाकर मेरा अंतिम संस्कार कर दिया जाए और चिता में अग्नि हमारे यति नरसिंहानंद सरस्वती जी देंगे, ये मैंने उनको अधिकृत किया है। क्योंकि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर मेरी हत्या किए जाने की और मेरी गर्दन काटने की साजिश रची जा रही है, उस पर इनाम रखे जा रहे हैं कि मेरा गुनाह इतना है कि मैंने 26 आयतों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था जो इंसानियत के प्रति नफरत फैलाती है और मोहम्मद के चरित्र पर वो हिडन फैक्ट्स जो के छुपे हुए हैं उस पर आधारित एक किताब लिखी है जिसका नाम मोहम्मद है। अब मुसलमान मुझे मार देना चाहते हैं और ये ऐलान किया है कि मुझको किसी कब्रिस्तान में कोई जगह नहीं देंगे, तो मेरे मरने के बाद शांति बनी रहे इसलिए मैंने एक वसीयतनामा लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी भेज दिया है कि मेरा जो शरीर है वो मेरे एक हिंदू दोस्त है उनको लखनऊ में दे दिया जाए और चिता बनाकर मेरा अंतिम संस्कार कर दिया जाए और चिता में अग्नि हमारे यति नरसिंहानंद सरस्वती जी देंगे, ये मैंने उनको अधिकृत किया है।